फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन ब्लॉग एंड लाइफस्टाइल। और मैं बनाने जा रही हूं सुबह का नाश्ता। और आज डेट है 31 दिसंबर, सुबह के 10 बजे हैं और इतनी ठंड हो रही है लखनऊ में, बहुत ठंड हो रही है, शीतलहर चल रही है। और मैं मैक्रोनी बनाने जा रही थी, तो मैं मैक्रोनी किस तरह से बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत तरीके से बनती है, मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में बनाती हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले डाला मैंने सरसों का तेल कढ़ाई में, और अब मैं डालूँगी इसमें लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। और इस तरीके से चला लीजिए। और अब इसमें डालेंगे प्याज, एक प्याज डाली है मैंने। दो मिनट इसको चलाने के बाद इसमें डाल देंगे हम ढेर सारी गाजर और शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मैंने कम ली है, गाजर ज़्यादा है। एक शिमला मिर्च ली है, तो इसमें हम डाल देंगे हल्का सा नमक, जिससे ये जल्दी से पक जाए। मतलब पूरी नहीं पकानी है हमें, हल्की सी पकानी है, तो इसमें हम डालेंगे नमक। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, गाजर और शिमला मिर्च पक गई है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा, दो टमाटर मैंने ऐड कर दिए हैं, और यहाँ पे इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी। तो मसाला मैंने डाला है यहाँ पे धनिया पाउडर, और थोड़ी सी पिसी खटाई, और ये गया सब्जी मसाला, और इसको मिला लेना है। दो मिनट तक इसको पकने देना है, जिसे मसाला पक जाए। और अब इसमें हम डाल देंगे मैक्रोनी, हमने चला लेना है। और अब इसमें हम डालेंगे चिली सॉस। ये टमाटो है, सॉरी, ये टमाटो सॉस है, ये गया टमाटो सॉस और ये गया मेरा चिली सॉस। आपका चिली सॉस? हाँ, मैं बहुत चिली चिली हूँ ना, इसलिए चिली सॉस है। और अब इसको मिला देंगे। पहले मैंने नमक थोड़ा ही डाला था, तो थोड़ा सा नमक और डाल दूंगी मैं। और इसको मिला लीजिए, और आपकी मैक्रोनी तैयार है, मतलब सुमन की मैक्रोनी तैयार है। तो हम ऐसे बनाते हैं मैक्रोनी, आप कैसे बनाते हैं प्लीज मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। बन गई हमारी मैक्रोनी सुंदर यम्मी सी। बहुत बढ़िया बना, तो गरम गरम तो मज़ा आ जा रहा है। बहुत अच्छा बना। मम्मा, ये मेरे ड्राइंग रूम में भी धूप आ रही है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। धूप निकल आई है, ये गुनगुनी सी धूप में। हमारे घर में तो फिर धूप आती है, बहुत से लोगों के घर ऐसे होंगे जिनके घर में धूप भी नहीं आती है, मुझे पता है। तो उनको छत पे जाना पड़ता होगा, या बहुत से लोग बिल्डिंग में रहते हैं तो उनके लिए भी धूप की काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरा घर ऐसा है कि उसका जो दरवाज़ा है वो पूरब दिशा में है, तो सीधे धूप ड्राइंग रूम में, देखिए मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ और पूरा धूप आ रही है। तो इस बात के लिए भी मैं लकी हूँ कि मुझे धूप मिल रही है।
ये देखिए मुंह से बाहर, जाड़े में धूप इतनी अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है ना बेबू। भगवान का शुक्र है कि धूप निकल आई, वरना आफत हो जाती। आजकल कपड़े सूखते नहीं हैं, दो दिन सुखाने पड़ते हैं कपड़े, आधे कपड़े तो कल के हैं। आज बहुत ठंड है, हम तब से सवेरे से यही कह रहे हैं आज बहुत ठंड है। पता है अभी रास्ते में आ रहे थे तब भी बहुत ठंड लग रही थी, तब भी बहुत ठंड लग रही थी। दीदी बहुत खुश है क्योंकि उसका बेबो का चश्मा आ गया। ला बेबो दिखाए चश्मा, इधर आ जाओ, आ जाओ चश्मे सहित आ जाओ। मेरे बाबू का चश्मा बन गया है, उसका नंबर भी बढ़ गया था, इसके चश्मे का नंबर बढ़ गया है। अरे क्योंकि पहले चश्मिश थी, अब फिर से हो गई चश्मिश। ज्यादा ना है, तुम भी हो जाओगी। मैं तो बिना चश्मे वाली, और चश्मा भी आ गया है। और जो है मैं आप लोगों के साथ कुछ, आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रही थी, क्रीम। हाँ ये मैंने क्रीम मंगाई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के भी बता दूं। ये ओपल की क्रीम है, ऐसे तो उल्टा दिखेगा। आ रहा है ओपल, ओपल ऐसे ओपल की क्रीम है, ओपल की क्रीम, ओपल ओपल OPAL ओपल लिखा है। और ये क्रीम बहुत अच्छी होती है, मैं इसको 4-5 साल से यूज़ कर रही हूँ। पिछली बार तो उसकी थी, दूसरे पैक की आई थी, वो आलमंड की थी, आलमंड की। और ये फ्लोरा की है, मतलब कंपनी वही है, कंपनी वही है, ये फ्लोरा की है। और पिछली बार आलमंड की थी, तो ये क्रीम बहुत अच्छी है और इसका प्राइस भी बहुत सही है। 500 ग्राम है ये, और इसका प्राइस क्या है, प्राइस कहाँ गया, प्राइस बेबू कितने की थी ये तुम्हें पता है? हाँ ये 170 की है, मतलब 500 ग्राम 170 की है, क्योंकि जाड़े में तो क्रीम की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ये आराम से चल जाता है हमारा। क्योंकि अब छोटा छोटा लाओ तो वो चलता नहीं है, पता नहीं कब ख़त्म हो जाता है। और ये अमीनाबाद से आया है, इनके पापा गए थे तो वो अमीना, क्योंकि मैं जो है पार्लर का सारा सामान मेरा जहाँ से आता है वहाँ से ही लाए हैं। और क्या लाए थे, आईलाइनर, उठा लो आईलाइनर मैंने मंगाया था, ब्लू हेवन का है, क्योंकि मेरी शीशी टूट गई, बेबो के पप्पा से टूट गई, वो मैंने गलत जगह पर रख दी थी ना, तो उनका हाथ लग गया। वो मुझसे बात कर रहे थे उधर, उन्होंने देखा नहीं और वो कुछ उठा रहे थे और उनका हाथ लग गया कि क्या कर रही हो, तो टूट गई थी, तो मैंने दूसरी मंगाई है। और मुझे यही अच्छी लगती है, बहुत बड़ी शीशी मैं नहीं मंगाती हूँ। ब्लू हेवन लिखा है इस पर, यह सब उल्टा दिखता है तो कैमरे से सब उल्टा दिखता है। ब्लू हेवन की है, और इसका प्राइस है 50 रुपीज। सुनिए तो फ्रेंड्स, आत्माएं जो होती है वैसे ही दिखती है, शीशे में देखो तो दिखती है पीछे खड़ी चुड़ैल तुम्हारी तरह। देखो मेरे पास भी एक चुड़ैल आ गई है। हो गया, चलो निकल लो यहाँ से। ऐसे क्या बोलती हो? और यही तुमको समझ में आता है तो ये आपके बजट में भी आता है, बजट फ्रेंडली है ये। अच्छा। पता है ये सूख जाती है, मतलब अगर जो है आप महंगी लो और सूख जाए तो टेंशन होती है, लेकिन ये 50 रुपीज़ की है तो आप लोग, और ये बहुत अच्छी भी होती है, सस्ती चीज़ ज़रूरी नहीं है कि ख़राब हो तो ये बहुत अच्छी भी है, मैं यही यूज़ करती हूँ। वहाँ पे एक और थी, एक और टाइप की, लेकिन वो मम्मी यूज़ नहीं करती थी तो इसलिए मैंने नहीं लिया। बहुत अच्छी लग रही थी मुझे तो, ये भी थी ना, ये भी वहाँ पे थी, लेकिन हम वहाँ पे नहीं थे। तो फ़ोन पे अगर आपसे कोई पूछता है ये ले ले वो ले ले, तो वो समझ में नहीं आता, अगर आप खुद शॉप पे हो तो समझ में आता है कि क्या लेना है। बहुत लेकिन अच्छा तुम अब जाओ, नहीं तो मेरा वो तो यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को लगा कर भी दिखा दूँ कि मैं आईलाइनर कैसे लगाती हूँ।
बड़ी लगती हैं। मैंने कहा आप लोगों को लगा के दिखा दूँ, मैं अंदाजे से लगाती हूँ। तो अब मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग ख़त्म करूँगी, और ब्लॉग ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक गाना सुना दूँगी। तो गाना है सागर फिल्म का, इसमें ऋषि कपूर जी और डिंपल कपाड़िया जी थे। तो मैं अब सुनाती हूँ। चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। तूने दीवाना दिल को बनाया, इस दिल पर इल्जाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। तो आप लोगों को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमंस ब्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, पता नहीं लोग क्योंकि मुझे पता चल रहा है, मैंने देखा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे ब्लॉग देखते हैं लेकिन उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि वो सब्सक्राइब भी कर लें, और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री है बिल्कुल। और उसके पास जो बेल बनी होती है उसे भी हिट करें, जिससे मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।